कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी की पार्टी हर दिन एक नया मामला लेकर आता है और इनकी पार्टी अभी इस समय हर दिन भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है। और आज हम इस वक्त आ गए हैं जतिन दास पार्क, यहाँ पे हजा मोड़ पे है, जहाँ पर मदरसा सेवा आयोग पक्ष की तरफ से एक आंदोलन किया जा रहा है, जो कि हमारे कैमरामैन आपको पीछे का स्थिति दिखाएंगे, जहाँ पे पुलिस प्रशासन की भीड़ भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आंदोलन है, लगभग 10 साल के ऊपर से ये आंदोलन चला आ रहा है। आपको बता दें ये आंदोलन 10 साल के ऊपर से चला जा रहा है। यहाँ पे नौकरी से वंचितकारों ने यह आंदोलन किया, लेकिन अभी तक उन लोगों को ये जवाब नहीं मिला कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी के जवाब में चलते उन लोगों का ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक उनका जवाब नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन इन लोगों का इसी तरह जारी रहे। दरअसल मदरसा मंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय ने मदरसा सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नौकरी उम्मीदवारों की भर्ती को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 14 साले हमारे परीक्षा 18 साल पर थे हमारे कंटिन्यू रास्ते रहे छी कोथाउ कोनो पैनल प्रकाश ना करे कमिशन किछु जन के नियोग दिए छे। सीट छिले 3183 से ही सीट के कमिए मात्र 1500 सीटे नियोग देया हुए छे। स्वच्छभावे नियोग पे 1300 जन, बाकी सीटगुलो कार स्वार्थे लुकिए फेला हलो। आमरा देखेछी परवर्तीकाले विभिन्न मद्रासा थेके भुवो शिक्षक बेरिये आसछे, सेई भुवो शिक्षकदेर परिवर्ते केन आमरा সেখানে নিয়োগ পাবো না, তার দাবিতে আমরা বারবার আন্দোলন করেছি। আমাদের দাবি ন্যায্য বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু ঝুলিয়ে রেখেছেন আজ পর্যন্ত। আমরা আর আশ্বাস নয়, আমরা নিয়োগ চাই, এই দাবিতে আমাদের আন্দোলন। इन लोगों का कहना है कि मदरसा सेवा आयोग 2013 की अधिसूचना में 3183 रिक्त स्थान थी, लेकिन पैनल के माध्यम से केवल 1500 पर नियुक्तियां की गई है। একাধিক হাইকোর্ট থেকে অর্ডার আছে, নিয়োগের অর্ডার আছে, তা সত্ত্বেও আমাদের কমিশন নিয়োগ করছে না। আমরা চাই আমাদের হাইকোর্টের অর্ডারগুলোকে মেনে অবিলম্বে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে আমাদের নিয়োগ করতে হবে। যারা মাদ্রাসা পাস আছে আমাদের নিয়োগ করতে হবে, কোর্টের অর্ডার আছে আমাদের কাছে। না আমরা মাননীয়র সঙ্গে, আমাদের মাদ্রাসা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই, যতক্ষণ না দেখা করবে আমাদের এই আন্দোলন চলবে। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि विपक्ष पार्टी को रोक रहा है, कोर्ट भर्ती की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन MSc और SLST उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पास कोर्ट भर्ती के कई आदेश आए हैं, जबकि कुछ उच्च न्यायालय भर्ती नहीं कर रहे हैं। मदरसे में भर्ती रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहीं दूसरी ओर केवल वादा कर रहे हैं, लेकिन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी पर नहीं रख रहे हैं। अब कोर्ट के आदेश के अनुरूप MSc और SLST अभ्यर्थी शीघ्र ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसी तरह आगे के अपडेट पाने के लिए बने रहिए यूनिफ्लाई न्यूज एक्सप्रेस के साथ। कैमरामैन बिस्विजी के साथ। वेलवन फाइनेंस इज अ पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग एंड सर्विंग मिलेनियल्स टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन वाइल बाइंग ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, SME लोन्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस।